गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू द चैनल मैवरिक गौरव। एंड मैं अभी यूनिवर्सिटी में हूँ। ये रही स्नेहा, हमारी को एंकर। स्वागत है आपका इस चैनल पे। कैसी हैं आप? नहीं बताएंगे क्योंकि को एंकर नहीं है। अच्छा, लीड एंकर हैं, यही हैं। तो अभी कुछ चेंजेस हुए हम लोग के स्क्रिप्ट, जो मतलब बोला जा सकता है टाइप ऑफ स्क्रिप्ट, जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ है। तो अभी हम लोग उसी का उसको सुधार रहे हैं। और अभी 12 बजे से इवेंट है, तो अभी ज़्यादातर करके इवेंट ही दिखाऊंगा कुछ, मतलब ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है इसलिए। तो कुछ बोलिए स्नेहा जी, आप वीमेंस डे विश तो कर दो यार। हैप्पी वीमेंस डे आपको। शुक्रिया। अब बोलो कुछ। कुछ बोल दिया मैंने, कुछ एड्रेस करो लोगों को। ये तुमसे ना हो पाएगा। अबाउट टू स्टार्ट, तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉन्फ्रेंस हॉल में और वहाँ पे अरेंजमेंट होगा। तो चलिए डायरेक्ट आपको जो आज का प्रोग्राम है इंटरनेशनल वीमेंस डे के ऊपर, तो डायरेक्ट वहीं से आप लोग देख सकते हैं। आर फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ एंड माय डियर फ्रेंड्स, इट्स माय ऑनर टू वेलकम यू ऑल ऑन द डे वेयर वी आर सेलिब्रेटिंग On the day where we are celebrating International Women's Day. I am Gaurav from BBA First Sem. And I am Sneha from BBA First Sem. तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, आज इंटरनेशनल वीमेंस डे है, तो क्या होती है ना? मुस्कुराकर, दर्द भुलाकर, रिश्तों में पद की दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक। With this, now I would like to invite our honorable VC sir, थैंक यू वेरी मच सर। हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर ऑनरेबल रजिस्ट्रार डॉक्टर सितेश कुमार सिन्हा सर टू प्रेजेंट यू वर्ड्स। मंच पर बैठे सीबी रमन विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर विमल कुमार शर्मा जी, प्रो वाइस चांसलर बसंत सर, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर ब्रजेश सिंह, डीन एकेडमिक डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, और आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस उत्सव भरे प्रोग्राम में, जिसमें कि हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल महिला दिवस। इंटरनेशनल का हिंदी क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम लोग उपस्थित हुए। पिछले साल भी शायद हम लोगों ने किया था और छोटे से उस पर किया था, आज थोड़ा सा बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। और ये पूरी संस्था में आज हर जगह हमारी संस्था जहाँ जहाँ है पूरे देश भर में, सब जगह आज इसी तरीके से सेलिब्रेशन हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का। तो आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। महिला शक्ति तो आप लोग सब जानते हैं, उस विषय में मैं आप लोगों से क्या बोलूं, लेकिन महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर घर में पाई जाती है और हर तरह का हर तरह की भूमिका में रहती है। सभी को इस विषय में मालूम है, क्या बोलते हैं, सब लोग भी थोड़ा बहुत बोलेंगे। तो सारी महिलाओं का जो कि हमारे यहाँ हमारे साथ मिलके काम करती हैं, उन सभी का स्वागत है और आभार है कि वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और आगे भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। सारी बच्चियों का भी स्वागत है जो हमारे यहाँ पढ़ रही हैं और आगे भी हमारे यहाँ इसी तरीके से वो पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। Our honorable registrar sir
टू ऑनर आवर प्रोफेसर। मैं बसंत सिंह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मंच पर उपस्थित हमारे बीसी सर प्रोफेसर विमल कुमार शर्मा, रजिस्ट्रार सर डॉक्टर सिद्धेश सिन्हा, डीएसडब्ल्यू सर डॉक्टर ब्रजेश सिंह, डीन अकेडमी सर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, सामने बैठे फैकल्टी मेंबर, हमारे प्यारे बच्चे, खास करके जो लड़कियां हैं जिनका आज दिन है, मैं बहुत बधाई देता हूं। अभी एक इस पर बहुत कुछ कहने की जरूरत है नहीं, एक सेव बच्चा पड़ा उससे ही बहुत कुछ हो गया, और दूसरा रजिस्ट्रार सर बोल दिए, महत्व तो है ही। वैसे भी माता का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, इस नजरिए से भी महिलाओं का स्थान पुरुष से बहुत ही सर्वश्रेष्ठ है किसी भी मामले में, चाहे वो घर चलाने की बात हो, कहीं भी हो, कोई भी काम हो, घर संभालने की चीज हो, लगभग उनके बिना सब अधूरा है। यहां मैं जरूर आग्रह करूंगा, खास करके मैडम लोगों से, जो यहां अभी संख्या काफी कम है, इसलिए उन लोगों से ये पर्सनल रिक्वेस्ट है, जो उन लोगों से रिलेटेड कोई व्यक्ति हो और जो चाहते हो और यहाँ रिक्वायरमेंट उस सब्जेक्ट में हो, तो हम लोग ये चाहेंगे जो फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग अब महिला को दें, क्योंकि उसकी संख्या बहुत ही कम है। इसलिए आप लोग को लगे या किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारा रिक्रूटमेंट अभी बचा हुआ है, तो आप लोग इस ओर ध्यान दें, हम लोग उसको जरूर गौर करेंगे। तो फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई, आप लोग सुखी रहें, धन्यवाद।
डॉक्टर विमल कुमार शर्मा सर टू प्रेजेंट फ्यू वर्ड्स टू अस। आप सबको और हम सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हमको ज़्यादा तो हमारा अस्तित्व जो भी है संसार में महिलाओं से ही है। एक बार क्लार्क ज़ेटकिन एक जर्मन एक्टिविस्ट थे जिन्होंने 1911 में पहली बार वुमेंस डे मनाया था। कारण हर दिन को मनाने का क्यों है क्यों मनाते हैं बात यह है महिला जो पूरी सृष्टि है उसका दिवस रहेगा। उस समय की आवश्यकता रही होगी कि जेंडर इक्वलिटी का प्रॉब्लम रहा हो उस टाइम में इसलिए शायद उन्होंने ये मनाना शुरू किया था। तब से हम आज तक इसको मनाते चले आ रहे हैं। जर्मनी से शुरुआत हुई थी और पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है और शायद इसलिए भी मनाते होंगे कि महिलाओं को एक धन्यवाद देने के लिए कि आप ये संसार चला रहे हैं हर तरीके से जीवन जीने तक आपसे है जीवन आपसे है जीवन आपके आपको है। व्यक्ति को संसार में आने के बाद तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है जिसमें धन है शक्ति है और विद्या है। इन तीनों के लिए हम हाथ फैलाते हैं देवी जी के सामने। कोई पुरुष नहीं होता है वहाँ भी आपकी आवश्यकता एक महिला ही पूरा करती है भले वो देवी के रूप में खड़ा हो। इसके बाद में जीवन के बाद में तीन चीज़ें आती हैं जिसमें अन्न है जल है और वायु है। अन्न पृथ्वी से आता है वायु तो हवा से आती है और जल नदी से आता है। ये तीनों भी स्त्रीलिंग है यहाँ भी आपकी सारी आवश्यकताएँ एक स्त्री और माँ के रूप में पूरी हो रही है। एक चीज़ और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा कि शिव जी जिनको देवों के देव महादेव कहा गया है उनका भी मूल रूप जो है वो शास्त्रों में अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। यदि आप देखते हुए शिव जी कोई मूर्ति थी अर्धनारीश्वर आधे पुरुष और आधे स्त्री होते हैं हम लोग तो वो शायद इस बात का घोतक होगा मेरे ख्याल से जहाँ तक मैं सुनता हूँ कि जब जन्म की प्रक्रिया शुरू होती है उस समय माता और पिता का डीएनए आपस में लंबवत कट के दोनों मिलते हैं आधा पिता का आधा माता का आधा पुरुष आधा नारी। सृष्टि की संरचना वहाँ से शुरू हुई इसलिए शिव जी को उसमें नारीश्वर के रूप में दिखाया जाता है। एक चीज और शास्त्रों में आती है यत्र पूजन्ते नारी तत्र कर्मण्येति देवता ऐसा क्यों है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं पुरुष की पूजा होती है वहाँ क्यों नहीं करते हैं प्रश्न ये इसमें तो एक गीता का उल्लेख है श्रीमद् भगवद गीता का एक योगिक व्याख्या में पढ़ रहा था उसमें नारी के लिए बहुत सुंदर शब्द लिखे थे जो नारी लिखे थे कि जैसे आत्मा जब पैदा होती है तो नारी के माध्यम से होती है उसमें लिखा था कि नारी शरीर वह महान शरीर है जो अव्यक्त आत्मा को भौतिक शरीर के माध्यम से व्यक्त करने का महान सार संपादित करता है और ये जज्बा सिर्फ महिला में हो सकता है। और उसमें ये भी शक्ति है कि जब बच्चे का जन्म होता है उस समय के पहले तक एक शरीर जिसमें सिर्फ एक ही आत्मा निवास कर सकती है उसे माँ है जो कि दो दो आत्माओं का उसमें निवास करता है। इसके बाद में ज्यादा कुछ नहीं मैंने कुछ दो लाइन खुद की लिखी सुना देता हूँ। नारी जननी है इस जग की नारी जननी है इस जग की नारी इस जग की नाड़ी है और नारी है जीवन का अमृत इस जीवन पथ की गाड़ी। थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम एंड आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रज्ञा नाथ खान फ्रॉम बीएससी एग्रीकल्चर 7th सेम टू प्रेजेंट पोयम ऑन स्टेज। Thank you.
साल सिर्फ आज की ये दिन इज्जत दी जाती है? क्यों नारी को हर साल सिर्फ आज की ये दिन इज्जत दी जाती है? क्या 9 मार्च को नारी नारी नहीं कहलाती है? स्टेटस के जरिए ही सही, स्टोरी के सहारे ही सही, सिर्फ एक ही दिन नारी को क्यों मार दिया जाता है? जैसे अक्सर नारियों का नाम तो गाली में लिया जाता है। ऐसी कौन सी गुनाह है जिसका सजा बलात्कार होता है? जो किसी की बहन का हो तो उसका भाई भी होता है और बलात्कार करने वाला भी किसी का भाई ही होता है। क्या उस वक्त बलात्कारी के सीने में दिल नहीं होता है? सवाल किससे करूं? क्या सही है क्या गलत है हर बात में समझाया जाता है। देखो तुम लड़की हो अपना ध्यान रखना, जमाने को बदलना मुमकिन तो नहीं, इसलिए अपने कपड़ों पे ख्याल रखना क्यों बताया जाता है? जमाने के साथ चलना बेशक हमें सिखाया जाता है, पर तुम एक लड़की हो, तुम्हारा एक दायरा है, वो क्यों लड़की को ही बताया जाता है? सवाल किससे करूं? अक्सर घर वाले बेटी संभल कर जाने को कहते हैं, बेटा जरूरत पड़े तो नजरें झुका लेना, ये क्यों नहीं कहते? लड़की खुद के ही जमी हुई दुनिया में खुद महफूज क्यों नहीं होती? हर रोज अखबार की हेडलाइंस देखकर लड़की क्यों करती? सवाल किससे करूं? खुद से करूं या खुदा से करूं? अगर नारी का बलात्कार रोड पे अकेले चलने के कारण होता है तो क्या नारी का बलात्कार मंदिर मस्जिद में नहीं होता है? अगर गलती सिर्फ छोटे कपड़ों की होती है तो बताओ वो नन्ही से लड़की जिसे कपड़े भी उसे माँ ने पहनाई होती है उसकी क्या गलती होती है? हाँ ये सच है, एक बलात्कार का इंसाफ तब मिलता है जब तक बलात्कारी और भी बेटियों का बलात्कार करता है। क्यों चलना पड़ता है हम बेटियों को ही? कभी रखो तो मोमबत्ती पे उस बलात्कारी को। सवाल किससे करूं? रोदूं तो कमजोर कहलाती हूँ और हक के लिए लड़ूं तो मुझोर कहलाती हूँ। कहने को लड़कों के बराबर ही आज कहलाती हूँ तो फिर हर बार कूड़ेदान में सिर्फ लड़की ही क्यों फेंकी जाती है? लड़की पे हाथ उठाने वाले को कायर कहते हैं तो फिर लड़की को घर में ही क्यों मार दिए जाते हैं? सवाल किससे करूं? बोलना सबने सिखा दिया, सवाल उठाना कोई क्यों नहीं सिखाता? लड़की हो मुंह बंद करो या कहकर सब बचपन में ही चुप रहना क्यों बताते?
तुम एक लड़की हो, तुम एक नारी हो, तुम एक औरत हो, लड़कियों को सवाल नहीं किया जाता है, लड़कियों को सवाल नहीं किया जाता है। थैंक यू। छोटा सा कुछ बात कहना चाहूँगी, जब मेरे को रात में आई जस्ट राइट दिस पोएम इन 3 या 4 मिनट्स, मैंने एक बार में ये पोएम्स लिखे। जब मैं पोएम लिखी तो मेरे को याद आया कि कंटिन्यूस लास्ट ईयर शायद छोटा सा रिविजन था, वैसे मैं फर्स्ट ईयर होस्ट की हूँ और प्रोग्राम भी की हूँ, सेकेंड ईयर भी प्रोग्राम की हूँ वुमेंस डे पे, और थर्ड ईयर थैंक यू टू माई टीचर्स, उन्होंने मुझे एक एन जी ओ ले गए थे और वहाँ से अभी भी कॉल आता है कि वो लोग चाहते हैं कि बेटी बचाओ का कार्यक्रम मैं करूँ। तो थैंक यू टू द ऑल सीवीआरयू फैमिली जो मुझे इस चीज़ से के लिए प्रेजेंट करवाया वहाँ। मैं लास्ट ईयर है हमारा, आई डोंट थिंक सो कि मैं नेक्स्ट ईयर इस माइक पे हो पाऊँ और वुमेंस डे को रिप्रेजेंट कर पाऊँ। तो मैं इंटायर वर्ल्ड, नॉट फॉर ओनली पर्सन जो यहाँ पे, मैं पूरी दुनिया से बस एक ही ये मतलब विश करना चाहती हूँ, बस एक ही हमारा ये गुजारिश है कि ऐसी कोई लड़की नहीं होती, ऐसी कोई लड़की नहीं होती और ऐसा दुनिया में कोई गुनाह नहीं होता जिसका सजा रेप। जो लड़की मैं हूँ वही लड़की बहन भी होती है, वही लड़की माँ होती है, वही लड़की जननी होती है, वही लड़की सीता होती है, वही लड़की भगवान होती है। तो हर गुनाह का सजा होता है, मगर बलात्कार एक सजा ही नहीं है, और बलात्कार का कोई सजा मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई मर्डर मौत कोई बलात्कारी का सजा सब छोटा होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। लड़की है, ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं एक लड़कियों के कि लड़की गलती नहीं करती है, करती है, बट उनकी सजा बलात्कार नहीं होता, रेप नहीं होता। हमारा कंट्री में, हमारी कंट्री में एवरी 60 मिनट में लड़की रेप होती है। दिस इज द मोस्ट शेमफुल थिंग, सबसे बड़ा शेमफुल थिंग है हमारे लिए। सो थैंक यू एवरीवन। मुझे नहीं लगता कि किसी से अछूता है, और सब लोगों ने इसको काफी मतलब सराहने के इसको इस बात की हम कामना करते हैं आपके इस पॉइंट के थ्रू, और बहुत बहुत बधाई आपको कि आपने ये बात हम सबों के बीच उठाई। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट प्रोफेसर पल्लवी सहाय टू शेयर हर एक्सपीरियंस विद अस, सो गिव हर अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। On this International Women's Day. Today is the day when everyone appreciates
in their lives. And everyone acknowledged the worth and significance of women in their lives and their tremendous achievement or contribution towards the society as well. Without taking much time, I would only like to highlight few points which should be taken as a goal and not only as a subject matter of speech in the Women's Day. Being a woman, I feel that not only today, but every day women need the same respect, acknowledgement and appreciation for their better performance in their life and their workplace. Women also need the encouragement to balance the life between their personal and professional lives. I will also like to highlight the point of workplace ethics, which should not only be the part of the course curriculum, but it should always be maintained at the organization or institution. The society is changing, but still it requires some changes in the mindset of the people. And I would like to request you for something. From all the ladies who are guilty of Syria and your family, I would just like to request to grant a special leave for women, which is already being provided in many institutions and organizations. I would just like to conclude my words that swam ko pehchan, tujhme shakti apar hai, swam ko naman kar aur aage badh chal. Thokar maar usse jo tera samman na kare, thokar maar usse jo tera samman na jaane, badh chal, nayi raahe tera rasta taaki. Tere aanchal mein hai apar khushiyan, tere aanchal mein hai apar khushiyan, kyunki sirf aaj nahi, हर रोज तेरा दिन है. हैप्पी वुमेन्स डे. कम नहीं है किसी से साबित कर दिखलाएंगी, कम नहीं है किसी से साबित कर दिखलाएंगी, खोल दो बंधन लेंगे हर मंजिल पा लेंगे. नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट श्रुति कुमारी फॉर बीइंग सेलेक्टेड इन नेशनल इंटीग्रेशन कैंप विच इज हेल्ड बाय एनएसएस ऑन 16th to 22nd December 2021 एट चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा के साथ. Thank you.
कॉन्ग्रेचुलेशन अमिता फॉर योर अचीवमेंट। Now I would like to invite Kajol from NCC for being awarded third prize in weapon training in CATC camp organized by 8th Bihar Battalion. कोई भी बाय बर्थ ये नहीं सोचता कि हम वैसा करेंगे,
ये माहौल हो जाता है या वैसा हो जाता है, लेकिन हमें उसे रोकना चाहिए और उसकी सख्त से सख्त सजा देना चाहिए। दूसरा चीज सी वी रमन के उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोग जेंडर उसमें लगभग लगभग बराबर हैं। हमारे यहाँ लड़कियाँ 44% मेरे यहाँ पढ़ाई पढ़ती हैं और रिजल्ट में भी देखें तो वो बहुत अच्छी है। अभी आप लोग ने फैसिलिटेशन में भी देखा कि हमारे यहाँ लड़कियाँ, लड़के भी थे उस ग्रुप में, लेकिन लड़कियों ने वेपन में नंबर वन लाई, इंटीग्रेटेड वहाँ जाकर उन्होंने बढ़िया परचम लहराया। आप खुद बोल रही हैं कि हम लोगों ने आपको अपॉर्चुनिटी दी कि एनजीओ के साथ मिलकर वो किया जाए, तो हम लोग का भी एक ध्येय है कि जो हमारी बच्चियाँ हैं या जो हमारी फीमेल फैकल्टी है वो हमारे बराबर है और होना भी चाहिए। सर ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल अर्जुन नारेश्वर का दिया, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, तो हमें किसी चीज को मांगने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आप लोगों के पास है। आदिशक्ति सर ने बताया, आदिशक्ति का मतलब ही होता है आदि, मतलब जिसका कोई वो नहीं है, शक्ति मतलब आप लोग, ये वेल नोन है, पता नहीं क्यों हम मांगते हैं। आप लोग उसके बराबर के अधिकार हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग और ऊंचाइयों तक पहुंचे। इसके लिए थैंक यू, आप लोगों ने मुझे आखिरी में और वंस अगेन हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। दैट्स इट गाइज, यही था वुमेन्स डे, हम लोगों ने सेलिब्रेट किया डॉक्टर सी वी रमन यूनिवर्सिटी में। और ये अंजलि और स्नेहा खाना खा रही है उधर, हमको नहीं खिलाई है। पूछे थे ब्रो तुमसे भी, तो हमने हाय करो, हाय करो। ये है अंजलि, वो है स्नेहा जिसको आपने पिछली वीडियो में देखा है। और बाकी कैसा रहा एक्सपीरियंस आज का, कैसा था एंकरिंग ये बताओ। बहुत लोग था ना, तुमको कैसे, तुम्हारा दोनों का साथ में बोल रही है, ऐसा थोड़ा कि अकेले अकेले बोल। तो देखिए हमारी दोस्त जो है वो सही बोल रही है, मतलब सही है, किसी को अच्छा लगा होगा नहीं लगा होगा हमको नहीं पता। और बाकी आपका काम है, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर करें, थैंक यू सो मच।